स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर 11 ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या हम करने वाले हैं? रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंट्ज़ कर्व। उससे पहले हम जान लेते हैं डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्शन का जस्ट मीनिंग ये है कि आपकी सीरीज की जो वैल्यूज है, जो भी आपने वैल्यू चूज की है, बाकी की अदर वैल्यूज लाइक आपने एक मीन निकाल लिया या क्वार्टाइल निकाल लिया, आपकी उस वैल्यू से आपकी सीरीज की एक्चुअल वैल्यूज जो है वो कितना डेविएट करती है, डिस्पर्स है वो कितना, ठीक है। तो यही एक डिस्पर्शन का मतलब है। तो डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 5 वेज है। ये जो फिफ्थ वन है ये ग्राफिकल मेथड है टू कैलकुलेट डिस्पर्शन, बाकी सारे न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है। तो आज हम करेंगे रेंज एंड क्वार्टर डेविएशन ओनली। तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज का सिंपली इतना मकसद है, मतलब है कि हमारी हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कैलकुलेट रेंज, और रेंज जो है वो ऑलवेज 1 or 2 मार्क्स में आता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं आता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर वैल्यू। दो तरह के एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन होते हैं। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का मतलब है जब आप रेंज निकाल लो, क्यू डी एम डी एस डी निकाल लो, ये आपके एब्सोल्यूट मेजर में आते हैं जिनके पास कोई यूनिट होगा। लाइक यहाँ पे अगर मैंने लिख रखा है कि ये स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है, तो आप जब भी इसको कैलकुलेट करोगे आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर्स में आएगा, मीन्स वो एब्सोल्यूट मेजर होगा। बट इन रिलेटिव मेजर क्या होता है, कोफिशियंट्स निकालते हैं हम। कोफिशियंट में क्या होता है, जैसे रेंज का ही कोफिशियंट देखते हैं, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अगर ऊपर भी सेंटीमीटर यूनिट आया था, नीचे भी सेंटीमीटर यूनिट आ गया, तो अब ये यूनिट से यूनिट कट गया, तो अब जो भी आंसर आएगा, मान लो 0.23 कुछ भी आ रहा है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर मतलब ये सब जो है ये एब्सोल्यूट में आएंगे और इन सबके जो कोफिशियंट्स है वो रिलेटिव में आएंगे, क्लियर। तो अभी हम कर रहे हैं रेंज। रेंज में हायर और लोअर लिमिट का डिफरेंस है। जैसे आपने इस सीरीज को पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद इसकी लोअर वैल्यू क्या है 120, हायर वैल्यू क्या है 210। तो 210 माइनस 120 जो है वो इसकी लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट जो है उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट जो कोफिशियंट है उसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, देखो फॉर्मूला क्या था, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो अगेन यहाँ 210 माइनस 120 अपॉन 210 प्लस 120, तो ये हो गया 90 अपॉन 330। आप इसको डिवाइड कर लो, ये आंसर जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ये कंडीशन है कि कोफिशियंट जो है इसका डोमेन जो है रेंज जो है वो 0 से 1 होती है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, कोफिशियंट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो 1 से ज्यादा कहीं भी आ रहा है तो आप उसको दोबारा चेक करो, आपका वो आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर रेंज डिस्क्रीट सीरीज में हो तो क्या होगा। तो रेंज डिस्क्रीट सीरीज में हो तो मतलब सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है, तो फ्रीक्वेंसी से कोई चेंज नहीं आएगा, मीन आप 100 माइनस 10 ही करोगे, ठीक है। और इन केस हमारी अगर सीरीज कंटिन्यूस है, क्लास इंटरवल वाली सीरीज है हमारी, तो क्या होगा, तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, आप 100 माइनस 0 भी कर सकते हो, या फिर इनकी मिड वैल्यूज क्या आएगी, इसकी मिड वैल्यू 5 आएगी और इसकी मिड वैल्यू 95 आएगी, तो 95 माइनस 5 भी कर सकते हो, मीन्स आंसर दोनों वे में डिफरेंट आएगा बट दोनों ही करेक्ट होंगे। जैसे एक बार कंटिन्यू सीरीज और देख लेते हैं कि अगर तो आप मिड वैल्यू नहीं निकालते हो तो 100 माइनस 0 कर दो, आंसर इसका 100 आएगा। अगर आप मिड वैल्यू निकाल रहे हो तो उसकी मिड वैल्यू आ गई 5, इसकी मिड वैल्यू आ गई 95, उस केस में रेंज क्या निकलेगा, 95 माइनस 5 इज इक्वल टू 90। दोनों आंसर डिफरेंट है बट दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, आपको जो सही लगे आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल्स पहले आपको निकालना आना चाहिए। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे आपने मीडियन निकाला था, मीडियन क्या करता है, मान लो एक सीरीज है हमारे पास, मीडियन क्या करता है, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वार्टाइल क्या करता है, इसको 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4। इसको हम बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2, इसको बोलते हैं Q3, Q4 कुछ नहीं होता है। इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोल देते हैं, इसको अपर क्वार्टाइल भी बोल देते हैं, और ये मीडियन ही होता है, ठीक है। तो Q1 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला वही है बिल्कुल मीडियन वाला, जहां पे भी आपने n प्लस 1/2 लिखा था अब वहां पे 4 लिख दोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये हमारे पास एक
इंडिविजुअल या सिंपल सीरीज है, तो सिंपल सीरीज में आपको क्यू वन कैसे निकालना है, क्यू वन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन बाय फोर्थ टर्म, ठीक है, एन कितना है, ये सीरियल नंबर है, एन कितना है हमारे पास 10, तो 10 प्लस वन बाय फोर मीन्स 11 बाय फोर मीन्स कितना आ जाएगा ये 2.75। अब 2.75 टर्म का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.75 साइज ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का साइज क्या है हमारे पास 150.75, थर्ड टर्म साइज क्या है 170 माइनस 150, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर जो है 150 प्लस 3/4 इंटू 20 165 जो है वो Q1 की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही अगर आपको Q3 निकालना हो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 33/4 8.25 टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 8th टर्म प्लस 0.25 साइज ऑफ 9th माइनस 8th टर्म, ठीक है, साइज ऑफ 8th टर्म क्या है हमारे पास 192 प्लस 0.25, साइज ऑफ 9th टर्म क्या है 200 माइनस 192, 192.25 मीन्स 1/4, 200 माइनस 192 मीन्स 8, इनको डिवाइड करके आ गया 2, तो ये हो गया 194, ठीक है। Q1, अब ये Q3 निकला है, तो Q1 क्या निकला था 165 आया था, तो अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 का वैल्यू क्या है हमारे पास 194 माइनस 165 अपॉन 2, तो ये जो है हमारा क्वार्टर डेविएशन का आंसर आ गया, क्लियर। ऐसा ही अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में ये कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने मीडियन में भी किया था। तो सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे, चेक करो इसमें कोई गलती तो नहीं है, यस, तो इसका टोटल क्या हो गया 199। अब हमें निकालना है Q1, Q1 निकालने के लिए अगेन वही साइज ऑफ n प्लस 1/4 टर्म, n अभी क्या है हमारे पास 199 प्लस 1/4 मीन्स 200/4 मीन्स 50th टर्म, और 50th टर्म हमने कहाँ देखनी है, CF में देखनी है, CF के सामने आंसर जो है वो x में होगा, तो Q1 हमारा क्या आ गया 40। सिमिलरली हम Q3 निकाल लेंगे, Q3 निकालने के लिए 3 इंटू एन प्लस 1/4 करेंगे, मीन्स एन प्लस 1/4 की वैल्यू 50 थी, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 150th टर्म हो गई वो, तो 150th टर्म जो है वो इसमें लाई करेगी, मीन्स हमारा ये जो है वो Q3 हो जाएगा, तो Q3 क्या आ गया हमारे पास 70। अब क्वार्टर डेविएशन निकालना है, Q3 माइनस Q1 बाय 2, तो Q3 क्या है 70 है, माइनस Q1 क्या है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 बाय 2 मीन्स 15 जो है आपका क्वार्टर डेविएशन आ गया इन डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू सीरीज, नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू सीरीज, कंटिन्यू सीरीज में डबल है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो वही नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 29 49 60, अब n जो है आपके पास 60 है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें n प्लस 1/4 नहीं करना, आपको n बाय 4 करना है, तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 4th टर्म, तो n क्या है 60 है, 60/4 मीन्स आपके पास 15th टर्म आ गई, और 15th टर्म जो है वो लाई करेगी इसमें, मीन्स ये हमारा L1 होगा, ये F होगा,
और CF जो है वो ऊपर वाला होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 क्या है 40, N बाय 4 क्या है 15, माइनस CF है 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 15 है इंटू I मीन्स इनका गैप जो है वो है 20। तो 40 प्लस इनका डिफरेंस 1 इंटू 20 हो गया अपॉन 15, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, मीन्स 1. आंसर जो है आपका 41.33 हो जाएगा Q1 का। ठीक है, इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं Q3। Q3 के लिए अगेन वही आपका सेम प्रोसेस है, बस 3n/4 टर्म लग जाएगी, मीन्स n/4 अगर आपका 15 था तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टर्म जो है वो 45th टर्म हो जाएगी, 45 टर्म जो है वो इसमें लाई करेगी, मीन्स ये L1 ये F और ये जो है आपका CF हो जाएगा। तो Q3 कैसे निकालोगे आप, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो L1 क्या है इसमें 60 प्लस 3n/4 हमने ऊपर निकाला था 45 आया था, माइनस CF जो है वो है 29 अपॉन F जो है वो है आपका 20 और इंटू गैप इनका जो है वो 20 है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 76। ठीक है, अब क्वार्टर डिवीजन निकालना है। क्यू डी फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/2। Q3 की वैल्यू है 76 माइनस Q1 की वैल्यू है 41.33 अपॉन 2। इन दोनों का डिफरेंस करके इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 17.34। नेक्स्ट आता है कोफिशियंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन। तो कोफिशियंट कैसे निकलेगा, रेंज का किया था हमने h - l/h+l था, सिमिलरली यहाँ है Q3 - Q1/Q3+Q1। तो इन दोनों का डिफरेंस तो है ही हमारे पास, तो दोबारा कर लो 76 - 41.33 अपॉन 76 + 41.33। तो इनको अब सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.30। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि आंसर जो है कोफिशिएंट का ऑलवेज लेस देन 1 होगा, अगर इससे बड़ा आ रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं कोई एरर है, आप उसको रीचेक कर सकते हो, आंसर लेस देन 1 ही होगा कोफिशिएंट का। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।